नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अंजलि सुहाने। मैं आज आपसे चर्चा करूंगी पाठ्यक्रम से पाठ्य पुस्तकों तक। यह शीर्षक पाठ्यक्रम 505 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का अधिगम विषय से लिया गया है। आप सभी शिक्षक कक्षा 5वीं तक पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते हैं और आपने निश्चित ही अनुभव किया होगा कि ये एक ऐसा विषय है जिसको बच्चे पढ़ने में बहुत आनंद लेते हैं। जब आप इस विषय को उनके अनुभवों से जोड़ें, उनके अनुभवों को साझा करने का मौका दें, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी दैनिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं। और दूसरी बात, आपने यह भी अनुभव किया होगा कि बच्चे किसी भी वस्तु विषय को समग्र रूप में देखते हैं, वह उनको अलग अलग पार्ट में नहीं देखते हैं। जैसे अगर वो तितली को देख रहे हैं तो उस समय जब वो तितली को देख रहे होते हैं, उसका अवलोकन कर रहे होते हैं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं, तो उस समय वह तितली का जीवन चक्र, तितली की सुंदरता, तितली के पंखों में सिमेट्री, तितली अब दिखाई देना कम हो गई है, ये सभी मुद्दों को एक साथ सोच रहे होते हैं। लेकिन हमारे जो पुरानी पुस्तकें थीं उसमें क्या था कि जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं तो उसको कुछ को साइंस और कुछ को सोशल साइंस और कुछ को पर्यावरणीय मुद्दे अलग अलग करके अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ाते थे। तितली का जीवन चक्र साइंस का विषय हो गया, तितलियाँ ख़त्म हो रही हैं ये सोशल साइंस का विषय हो गया, तितली के पंखों में सिमेट्री मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गया, तितली में जो सुंदरता है वो कला का विषय हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, जब बच्चा उसको समग्र रूप में देखता है तो क्यों ना हम भी उस विषय वस्तु को जब भी डिस्कस करें उसको समग्र रूप में डिस्कस करें। इसलिए NCF ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 में कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के विषय को समेकित और एकीकृत रूप में पढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय को कैसे समझा गया है। तो NCF ने सजेस्ट किया है कि कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित विषयों के साथ पर्यावरणीय मुद्दों को बताना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में सिर्फ 2 विषय पढ़ाए जाते हैं, भाषा और गणित। तो इसकी जो बुक्स बनाई हैं, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उसमें भाषा और गणित के साथ ही पर्यावरणीय मुद्दों को डिस्कस किया गया है। अगर जल संरक्षण या जल प्रदूषण से संबंधित कोई बात बतानी है तो उसमें भाषा की पाठ्यपुस्तक में एक कविता या कोई कहानी दे सकते हैं जिससे बच्चों को पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस, संवेदनशीलता जागृत होगी। गणित विषय में जब आप एडिशन सिखा रहे हैं या काउंटिंग सिखा रहे हैं, उस समय उनको पार्क में ले जाते हैं, वहाँ पर पत्तियाँ गिनने को देते हैं, पेड़ों का गिनने का मौका देते हैं, तो आप उनको पर्यावरण से जोड़ रहे होते हैं। तो इस तरह से कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण विषय जो है कोई अलग से विषय नहीं है, उसको भाषा और गणित विषयों के साथ बताया जाना चाहिए। फिर कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए। अर्थात जब कक्षा 3rd, 4th, 5th में पर्यावरण अध्ययन की एक अलग से पाठ्य पुस्तक होगी और यह एकीकृत विषय होगा, समेकित रूप में होगा। किसका समेकन होगा इसमें? इस विषय में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय अवधारणाओं को समेकित रूप से पढ़ाना चाहिए। क्या? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय अवधारणाओं को समेकित रूप से। 3 विषय हो गए यहाँ पर, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय मुद्दे और पर्यावरणीय अवधारणा। हमको इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर वाटर एक कंसेप्ट है, तो जब आप वाटर का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में, तो अगर वाटर प्योरिफिकेशन विज्ञान का विषय है, पानी से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे कि कुछ स्थानों पर कुछ वर्गों को कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता, ये सामाजिक विज्ञान का विषय है, और जल संरक्षण से संबंधित समस्याएं, पानी अवेलेबल नहीं है, वो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में पानी की समस्याएं हैं, वो भूगोल का विषय है। तो इन विषयों को अलग अलग, बुक तो एक ही हो लेकिन ऐसा ना हो कि इनके चैप्टर अलग अलग हों,
कि ये समझ में आए कि ये विज्ञान का विषय है, ये सामाजिक विज्ञान का विषय है, ये पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही चैप्टर में इन मुद्दों को एक साथ समेकित रूप में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो किसी भी वस्तु को अलग अलग पार्ट में नहीं देखते, उसको एक समग्र रूप में देखते हैं। तो ये तो बात हुई कि पर्यावरण अध्ययन विषय किस तरह से कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। अब पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम जो है वो कैसा है, एनसीईआरटी एनसीएफ के साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन के लिए और प्राथमिक कक्षाएं जो हैं उनके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया। तो जब हम उसमें पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को देखते हैं तो एनसीईआरटी ने इस विषय को, पर्यावरण अध्ययन विषय को, 6 थीम या हम कह सकते हैं 6 प्रकरणों में बांटा है, और इन प्रकरणों के भी उप प्रकरण हैं। अब हम देखते हैं, चलिए, कि ये कौन कौन से प्रकरण हैं। तो आप इनके नाम पढ़ के आपको लगेगा ये तो ऐसे मुद्दे हैं जो कि पर्यावरण के साथ हमेशा डिस्कस होते हैं। पहली जो थीम है वो है परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके उप प्रकरण हैं, पहला है आपसी संबंध, रिलेशनशिप, दूसरा है काम और खेल, फिर जानवर, फिर पौधे। अभी तो ये इस थीम की सब थीम थी, अभी दूसरी थीम जो होगी है वो है भोजन, तीसरी पानी, चौथी आवास, पांचवी यात्रा और छठवीं हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये सभी टोटल 6 थीम हैं, और मैं आपको एक और सजेस्ट करूंगी कि आप इस विषय को पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम से पाठ्यपुस्तकों तक आप एनसीईआरटी ने प्राथमिक स्तर के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया है उसका वॉल्यूम 1 उसका विस्तृत रूप में अध्ययन करें। उसमें भाषा, हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए उसका डिटेल डॉक्यूमेंट है, और जब आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारी जो कुछ भ्रांतियाँ हैं, आप इस विषय को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बुक्स किस तरह से डेवलप हुई हैं एनसीईआरटी की, उसमें आपको निश्चित ही बहुत सहायता मिलेगी। और मैं इस चर्चा में जो भी डिस्कशन कर रही हूँ वह ज़्यादातर जो प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी ने बनाया है उसी के आधार पर कर रही हूँ, तो आप उसको निश्चित ही एक रेफरेंस के तौर पर उसको ज़रूर पढ़िए। अब बात करते हैं कि और इस पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं हैं। इनकी जो थीम विषय है ये इनकी प्रकृति एकीकृत है, जो मैंने पहले भी आपको कहा कि साइंस, सोशल साइंस और पर्यावरणीय मुद्दों को एक साथ एक माला में गूंथ के पिरो के प्रस्तुत किया गया है। सभी प्रकरण और उप प्रकरण आपस में जुड़े हुए हैं, सभी प्रकरण और उप प्रकरण। अब आप देखिए, अगर हम पौधे की बात करते हैं और दूसरा प्रकरण है पौधा, एक उप प्रकरण है और एक प्रकरण है खाना, तो पौधे और खाना क्या होगा, आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हैं, क्योंकि जो खाना है वो कहाँ से मिल रहा है, पौधों से मिल रहा है। तो इसी तरह खाना हुआ है वो एनिमल से भी जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से ये दोनों प्रकरण क्या हो गए, आपस में जुड़े हुए हैं। पानी की बात करें, पानी एक प्रकरण है और पौधे एक उप प्रकरण है, तो पानी और पौधे, अगर पानी नहीं मिलेगा तो पौधे नहीं बढ़ेंगे, तो पानी और पौधे आपस में जुड़ गए। तो कोई भी थीम और सब थीम अलग थलग नहीं है, सभी थीम आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। अगली बात जो मैं इस पाठ्यक्रम की विशेषता है, पाठ्यक्रम में पाठ या प्रकरण की शुरुआत अवधारणाओं से ना होकर प्रश्नों से हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि ये प्रश्न क्या है, जब भोजन खराब होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि खाना खराब हो गया है, कौन सा खाना जल्दी खराब होता है और खाना को खराब होने से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके साथ इसमें जो मुद्दे हैं वो है खाना खराब होना, खाना बेकार होना, खाने को खराब होने से बचाना, सुखाना और अचार बनाना, ये मुद्दे हैं जो कि इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो आप देखते हैं कि जब ये प्रश्नों से शुरुआत होती है तो ये प्रश्न क्या करते हैं, बच्चों को उत्सुकता बढ़ाने, सोचने, स्वयं ज्ञान का सृजन करने में मदद करते हैं, क्योंकि जब प्रश्न आते हैं तो बच्चों को निश्चित ही उत्सुकता होगी कि खाना खराब क्यों होता है, खाने को कैसे बचाया जा सकता है, तो ये उनको सोचने में मदद करेंगे, स्वयं ज्ञान के सृजन में मदद करेंगे। इसके बाद पाठ्यक्रम जो है उसमें हर थीम के लिए कुछ संसाधन और क्रियाकलाप बताए गए हैं, तो संसाधन तथा क्रियाकलाप
रूपों के लिए केवल सुझाव दिए गए हैं, ठीक है। समय तथा स्थान के अनुरूप इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे जो भी संसाधन और क्रियाकलाप बताए गए हैं वो क्या है कि एक सजेस्टिव वे में है, और अगर कोई टीचर उसको नॉर्थ में है, कश्मीर में है, तो वो वहाँ के लोकल इन्वायरमेंट से जुड़े जो हैं वो एग्जाम्पल लेगा, और अगर कोई साउथ में है तो वहाँ से लेगा। अगर एप्पल का उदाहरण साउथ में लिया जाएगा तो उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि नॉर्थ में लिया जाए। तो और उसी तरह से क्रियाकलाप भी हैं जो कि सजेस्टिव हैं, जिनको शिक्षक अपनी परिस्थिति, लोकल एनवायरनमेंट को देख के परिवर्तित कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि NCF 2005 का पुस्तकों में रूपांतरण कैसे हुआ है। ये जो पुस्तकें हैं ये बाल केंद्रित विधि पर आधारित हैं। सारी बुक्स जो हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की EBS की बुक्स हैं, उसमें चाइल्ड सेंटर्ड हैं। उसमें बच्चों को इतने सारे क्रियाकलाप दिए गए हैं जिसमें शिक्षक को क्या करना है, सिर्फ उनको गाइड करना है, उनको मौका देना है कि वह अपना चीज़ों के को समझें और क्रियाकलाप करें। दूसरा, स्वयं ज्ञान के सृजन का मौका देती हैं। जब बच्चे क्रियाकलाप करेंगे, अपने अनुभवों से सीखेंगे, तो ज्ञान क्या होगा, उनका सृजन करेंगे। वह जो हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, वह ज्ञान का सृजन करते हैं, ना कि वहाँ पर शिक्षक उन्हें कुछ बता रहा है। इन किताबों में परिभाषाओं का कोई स्थान नहीं है, कोई भी परिभाषा डायरेक्ट नहीं बताई गई है बच्चों को, क्योंकि इस उम्र के बच्चों को कोई परिभाषा याद कराने का मतलब नहीं है। नेक्स्ट, बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। कोई भी क्लिष्ट भाषा नहीं है, जो भाषा है वो बहुत ही ऐसी भाषा है जो कि बच्चे प्रयोग करते हैं। बच्चों को करके सीखने, उत्सुकता बढ़ाने, प्रश्न पूछने, प्रयोग करने आदि का मौका देती हैं। ये सब बुक्स में बहुत सारा है, करके सीखें, वो कैसे करेंगे, उत्सुकता कैसे उनकी बढ़े, प्रश्न पूछें, ये सभी मौके दिए गए हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, मूल्यांकन के लिए पाठ के बीच बीच में प्रश्न दिए गए हैं। जैसा कि NCF में कहा गया है कि आकलन मूल्यांकन इस प्रकार से हो कि उनको भय ना लगे और वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ हो। तो इस तरह से ये जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में मूल्यांकन के लिए बीच बीच में प्रश्न दिए गए हैं। एक चैप्टर में करीब बीच में 4 या 5 बार प्रश्न दिए गए हैं जिसमें बच्चा पढ़ते पढ़ते ही सीखता जाता है और उसका मूल्यांकन होता जाता है। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता जो है, परंपरागत शीर्षकों से हटकर अनुभव से जुड़े शीर्षक। अगर आप किसी भी किताब को उठाकर देखें तो जो उसके शीर्षक हैं, जैसे पहले शीर्षक हुआ करते थे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या सौर मंडल, इस तरह के शीर्षक आज की किताबों में नहीं मिलेंगे। अभी मैं आपको NCERT की ही कक्षा 5 की किताब के कुछ शीर्षक दिखाती हूँ और आप उनको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये शीर्षक किस तरह से अनुभवों से जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए, ये क्लास 5th की बुक है और इसके शीर्षक, पहला शीर्षक, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। अब आप देखिए कितना अच्छा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, बच्चे को अपने आप उस शीर्षक को पढ़ के लगेगा कि इसको तो निश्चित ही पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या है, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। चींटी तो बच्चों को मतलब हमेशा आकर्षित करती है और फिर वो जानना चाहते हैं चींटी का दोस्त क्या है। दूसरा चैप्टर जो है, कहानी सपेरों की। ऑब्वियसली सांप जानवर से तो बच्चे हमेशा ही आकर्षित होते हैं, तो सपेरों की क्या कहानी है, चखने से पचने तक। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सीधे पाचन तंत्र के बारे में बात की गई है। इसमें क्या है, चखने से कि जो भी पाचन प्रक्रिया होती है वो मुंह से शुरू होती है और किस तरह से खाना पचता है, उसको एक बहुत ही अच्छे ढंग से इस चैप्टर में बताया गया है। अगला है, खाएं आम 12 महीने। आम का नाम सुन के तो बड़ों बड़ों के मुंह में पानी आ जाता है, तो बच्चे तो फिर उस किट को पढ़ के, तो ये चैप्टर जो है, खाएं आम 12 महीने, ये लगता तो ऐसा है लेकिन इसमें बताया गया है कि किस तरह से आम या किसी भी फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो शीर्षक हैं, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग शीर्षक लगते हैं और ये बच्चों के अनुभवों से जुड़े हुए हैं। अगली विशेषता है कि पाठ्य सामग्री को 6 प्रकरणों के इर्द गिर्द बुना गया है। जो भी पूरी पाठ्य सामग्री है वो टोटल जो 6 प्रकरण हैं, कौन कौन से हमारे, पानी, भोजन, यात्रा, तो ये जो टोटल 6 प्रकरण हैं तो वो सारे के सारे प्रकरणों के इर्द गिर्द हैं। कुछ चैप्टर पानी से रिलेटेड है, कुछ यात्रा से रिलेटेड है,
आप इसके एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, यह भी जो है वो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसी से लिया गया है कि एक थीम है पानी। तो आप देखेंगे कक्षा पांचवी में पानी के अंतर्गत तीन पाठ हैं, पाठ छः जो है पानी के पुराने स्रोतों की एक झलक और पानी के इंतजाम की ऐतिहासिक तकनीकी का जिक्र किया गया है, इतिहास से प्रेरणा लेकर आज की परेशानी का हल ढूंढने का प्रयास किया गया है, पाठ सात में पानी के कई प्रयोग जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े हैं उससे जुड़ा हुआ है, पाठ आठ में आसपास इकट्ठा पानी, गंदगी, मच्छर, मलेरिया और खून टेस्ट में क्या रिश्ता है इसकी समझ बनाने के लिए बच्चों की असल बातचीत का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो पानी थीम से रिलेटेड है उससे रिलेटेड कक्षा पाँच में तीन चैप्टर हैं। तो इसी तरह और भी सारी थीम हैं जिनसे जुड़े हुए चैप्टर्स, सभी थीम से जुड़े हुए टोटल छः थीम और पहली जो थीम है उसके चार उप प्रकरण, उनसे जुड़े हुए चैप्टर्स हैं। अगली विशेषता है वो है प्रकरण चक्रिक और प्रगतिशील तरीके से जुड़े हुए हैं, मतलब जो प्रकरण कक्षा तीन में था वही चार में भी है और पाँच में भी है और उसके उप प्रकरण भी हैं। इसको एक हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो पानी वाटर सोर्सेस हैं इसको पाठ्यक्रम में जगह दी गई है, कक्षा तीन में भी दी गई है, कक्षा चार में भी दी गई है और कक्षा पाँच में भी दी गई है। तो कक्षा तीन में जो है वो पानी के जो स्रोत हैं वो लोकल स्रोत जो बच्चे अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और हम बोल रहे हैं प्रगतिशील तरीके से जुड़े हैं, तो पहले उनको लोकल सोर्सेस के बारे में बताया गया है और वर्षा के बारे में बताया गया है कि वर्षा कैसे वाटर सोर्स है। उसके बाद कक्षा जब चौथी की जो बुक है उसमें जो मैनमेड सोर्सेस हैं और जो नेचुरल सोर्सेस हैं उनकी बात की गई है, ये थोड़ा सा उससे हायर लेवल का हो गया। लोकल सोर्स देखा जो बच्चे वहाँ अपने आसपास देखते हैं, दूसरा जो उससे हायर लेवल होगा वो नेचुरल और मैनमेड सोर्स है, वो कक्षा चौथी में उसकी चर्चा की गई है। और यही वाटर सोर्सेज जो हैं, जल स्रोत हैं, इनकी चर्चा कक्षा पाँचवीं में भी है, लेकिन जहाँ पहले हम कॉन्क्रीट बात कर रहे थे अब थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट चला जाता है कि जो पानी के स्रोत हैं वो धीरे धीरे कैसे कम हो रहे हैं, ठीक है, इसकी चर्चा कक्षा पाँचवीं में की गई है। तो आप समझिए कि ये जो एक ही मुद्दा है वो किस तरह से चक्रिक और प्रगतिशील तरीके से, मतलब प्रोग्रेसिव वे में जुड़ा हुआ है। ये इन किताबों की इतनी अच्छी विशेषता है, बेसिकली वो किताब वो चैप्टर क्या कहना चाहता है इसको आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। और जब भी आप कक्षा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की ईवीएस की बुक को देखें, पाठ्यपुस्तकों को पढ़ाएं, उसके पहले उस किताब में जो भी उसके पहले उसको दिया गया है शिक्षकों के लिए कथन, उसको ज़रूर पढ़ लें, वो आपको बहुत मदद करेगा इन किताबों को समझने में। अब अगली विशेषता है एकीकरण। जो ये पाठ्यपुस्तकों की जो विशेषताएं हैं उसमें अगली विशेषता है एकीकरण। एकीकरण किस रूप में? विषयों में साइंस, सोशल साइंस और पर्यावरणीय मुद्दे, प्रकरणों में एकीकरण। दूसरी बात, जहां हम पौधे की बात करेंगे वहां पानी की भी बात करेंगे, जहां हम खाना की बात करेंगे वहां पानी की भी बात करेंगे, तो प्रकरणों में एकीकरण। शिक्षण पद्धतियों में एकीकरण, बहुत सारी शिक्षण पद्धतियाँ हैं, कहीं हम बोलते हैं कि इनको क्षेत्र भ्रमण पर ले जाइए, वहीं उसी के साथ बोलते हैं इनको अवलोकन के लिए मौका दीजिए, उसी के साथ कुछ उसमें पहेलियाँ भी दी गई हैं। तो इसमें शिक्षण पद्धतियों में एकीकरण किया गया है। मूल्यांकन के प्रकारों में, बहुत सारी तरह से मूल्यांकन हो सकता है। एक ही चैप्टर में आप पाएंगे कि चित्र पठन के द्वारा मूल्यांकन करने को कहा जाएगा, उसी में चर्चा के द्वारा मूल्यांकन की बात की जाएगी, और उसी चैप्टर में हो सकता है अभिव्यक्ति का मूल्यांकन की बात हो, तो उसका एकीकरण भी किताबों में दिखाई देता है। कौशलों में एकीकरण, जो कौशल हैं, जो कौशल हमें डेवलप करना है, अवलोकन, चर्चा, अभिव्यक्ति, उनमें एकीकरण। संसाधनों में एकीकरण, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर पढ़ाने के लिए आपको सिर्फ हमारे जो आसपास के वातावरण से चीज़ें हैं वही लेना है संसाधन, उसके लिए हो सकता है कि एक ही चैप्टर के लिए आपको न्यूज़पेपर का प्रयोग भी करना पड़े, हो सकता है आपको कम्युनिटी के किसी को बुलाना पड़े, हो सकता है कि आपको आईसीटी का प्रयोग करना पड़े, हो सकता है कि उसी चैप्टर को पढ़ाने के लिए आपको उनको कक्षा के बाहर ले जाना पड़े। तो ये सारे एकीकरण जो है वो एक एक चैप्टर में दिखाई देते हैं। किसका? विषयों का, प्रकरणों का, शिक्षण पद्धतियों का, मूल्यांकन के प्रकारों में, कौशलों में और संसाधनों में। मतलब इन
किताबों की विशेषताएं इतनी ज़्यादा हैं जितना इनको डूबने की ज़रूरत है, उन किताबों को समझने की ज़रूरत है। जब आप इन किताबों को समझेंगे ना, तो आपको पढ़ाना और इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आप विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से जोड़कर इस विषय को बहुत ही रोचक बना पाएंगे। अगली विशेषता है पाठों का विविध प्रकार से प्रस्तुतीकरण। जैसे कि आप इन किताबों में देखते हैं कि जो किताबें हैं उसमें एक ही तरह की फॉर्मेट यूज़ नहीं किया गया है। कुछ में किस्से कहानियाँ हैं, कुछ में संवाद हैं, कुछ में कविताएँ हैं, कुछ डायरी के फॉर्म में हैं, कहीं पहेलियाँ बताई गई हैं, कहीं साक्षात्कार बताए गए हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रस्तुतीकरण हैं जिनको, जैसे किस्से कहानियाँ, कक्षा 3 में आप देखेंगे खाना और पचाना, उसमें कहानी बताई गई है। अगर आप कक्षा 4 में बीज बीज करके एक चैप्टर है, उसमें कविता दी गई है। कक्षा 3 में एक चैप्टर है, उसमें पहेलियाँ करने को दी गई हैं, मैच द फॉलोइंग दिया गया है, साक्षात्कार हैं, लोगों के जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो इन किताबों में मिलते हैं। इसके बाद अगली विशेषता है कौशलों के विकास तथा मूल्यांकन के लिए विभिन्न क्रियाकलाप। जो कौशल हैं, अवलोकन, खोज, वर्गीकरण, अभिलेखन, विश्लेषण, संश्लेषण, सहयोग, सहभागिता, इसके विकास के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप और मूल्यांकन के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप दिए गए हैं। जैसे चित्र बनाना, खेल, मिलान करना, दादा दादी का साक्षात्कार लेना, बनाएं और खाएं, चित्र पठन, भ्रमण, समूह में कार्य करना, ये सारे जो हैं, इतने सारे क्रियाकलाप दिए गए हैं जिससे कि विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होता है। इसके बाद है सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों से जुड़े पाठ। 3 तरह की बातें हैं ईवीएस की बुक्स में, साइंस, सोशल साइंस और पर्यावरणीय मुद्दे। तो सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों से जुड़े पाठ, पानी, खाना, परिवार, ये जो इनसे जुड़े जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे कक्षा 3 में है बनाएं और खाएं, तो उसमें क्या है कि आपके घर में खाना कौन बनाता है, आपके घर में खाना अंत में कौन खाता है, ऐसे मुद्दे हैं जहाँ लिंग भेद हमेशा दिखाई देता है कि परिवार में सामान्यतः जो बच्चे की माँ है वो खाना बना रही है, अंत में वही खाना खा रही है, जो बच्चा है वह खा रही है। तो उस तरह के मुद्दे वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, बच्चों से डिस्कशन किया गया कि आप क्या देखते हैं और फिर उसका उनके ऊपर क्या रिफ्लेक्शन है, बच्चे उसको क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या उनको ठीक लगता है कि उनकी माँ ही हमेशा खाना बनाए, क्या उनको ठीक लगता है कि उनकी माँ ही हमेशा आखिरी में खाना खाए, कक्षा 5 में है यह काम कौन करेगा, क्या स्पेसिफिक काम है उन्हीं को करना चाहिए, उस तरह के जो मुद्दे हैं वो डिस्कस किए गए हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता और लिंग भेद के प्रति जागरूकता बढ़ाने से जुड़े हुए भी बहुत सारे पाठ इसमें दिए गए हैं, क्योंकि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको बच्चों को समझना है और उन बच्चों का आदर करना है, उनके साथ उनको साथ में बैठ के पढ़ना है, उनके साथ उनको आगे बढ़ना है, उनके प्रति वो है एक अच्छी सोच रख सकें, उनके साथ अच्छे से काम कर सकें, जो भी है उनके साथ एम्पैथी रख सकें, ऐसे पाठ भी उसमें हैं। मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियों पाठ में अंतर्निहित, जो मैं पहले कह रही थी कि जो मूल्यांकन के जो विभिन्न प्रकार हैं वह पाठ के साथ साथ चलते जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वह पाठ के कहीं अंत में दिए गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं। इस जो चर्चा है इसको करने में मैंने NIOS का जो मॉड्यूल है 505 उसको रेफरेंस के तौर पर लिया है, NCERT में प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो पाठ्यक्रम भाग 1 है उसको लिया है, राष्ट्रीय प्राचार्य प्रारूप से इसमें कुछ मुद्दे लिए गए हैं और NCERT की जो पाठ्यपुस्तकें हैं कक्षा 3 से लेकर 5 तक की उनको लिया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यपुस्तकें हैं EVS की वो बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, इनको आपको समझने की ज़रूरत है, इनकी विशेषताओं को आप समझिए, ये किस तरह से हमारा जो मुद्दा था कि कैसे पाठ्यक्रम से पाठ्यपुस्तकों तक आए, NCF के उद्देश्यों को ये किस तरह से पूरा कर रही हैं, कैसे बच्चों के ज्ञान के सृजन के मौके दे रही हैं, कैसा शिक्षण अधिगम के साथ मूल्यांकन के लिए मौके दे रही हैं और किस तरह से एक समेकित रूप में बच्चे को एक समग्र अध्ययन करने का किसी भी विषय वस्तु का मौका देती हैं। धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। हम निश्चित ही किसी और कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।